मित्रों, प्रेम तो जिया जाता है, पाया नहीं जाता। सिर्फ पाने के लिए प्रेम किया जाए तो वो प्रेम नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो मित्रों, आज ये राशिफल जो हम लेकर आए हैं वो जे नाम वाले लोगों के बारे में है। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है, जिनको अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो जिनका नाम अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है उनके लिए फरवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो फरवरी के महीने में आपके प्रेम संबंध कैसे रह सकते हैं, आपका वैवाहिक संबंध कैसे रह सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जे नाम वाले लोगों के फरवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जे नाम वाले लोगों के फरवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की बात करते हैं। जे नाम वाले लोगों के फरवरी महीने के प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो प्रेम संबंधों में फरवरी का महीना अच्छे परिणाम दिखाएगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे इस महीने। फरवरी के महीने में आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे और प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ मधुरता भी बढ़ेगी और एक दूसरे का आप भरोसा भी जीतेंगे और आपके प्रेम संबंध आगे जाएंगे। जे नाम वाले लोगों के लिए फरवरी का महीना प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम दिखाएगा और 15 फरवरी तक का जो समय होगा वहां पर तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 15 फरवरी तक का समय आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, आपके साथी के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं, बातचीत तो होती ही रहेगी और आपके संबंधों में एक दूसरे की साथ मजबूती बहुत देखने को मिलेगी। यानी प्रेम संबंधों में जो भी गिले शिकवे थे वो दूर होंगे और आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। और 15 फरवरी से 28 फरवरी तक का ऐसा समय होगा वहाँ पर भी आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन वहाँ आपको छोटी मोटी बहस से अवश्य बचना होगा क्योंकि वहाँ पर आपका समय तो रोमांच से भरा रहेगा लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो प्रेम संबंधों में अच्छा महीना है जे नाम वाले लोगों के लिए। और जिन लोगों के अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई भी वाद विवाद पहले से चल रहे हैं तो वो अपने वाद विवाद समाप्त करना चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं और 15 फरवरी से पहले अगर प्रयास करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एक बात और भी अच्छी है कि जिन लोगों के प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा जब आप 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आप अपने घर परिवार वालों को, आप अपने साथी को मना सकते हैं। हालांकि पूरा महीना अच्छा है, पूरा महीना आप प्रयास कर सकते हैं और आपके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदलने के लिए आपके परिवार वाले और आपके साथी राजी हो सकते हैं। आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। तो प्रेम संबंधों के लिए महीना अच्छा रहेगा। इस महीने आपकी मुलाकात तो संभव है ही और घूमना फिरना भी हो सकता है, चाहे आप छोटी मोटी जगह ही घूमने फिरने जाएं और वहां पर संबंध और मजबूत होंगे। और जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, यानी किसी से मित्रवत संबंध हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, यानी आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पूरा महीना अच्छा है लेकिन अगर देखें तो 15 फरवरी तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और आपकी मित्रता स्वीकार की जा सकती है, लेकिन आपको ईमानदारी रखनी बहुत आवश्यक होगी क्योंकि अगर आप झूठ बोलकर कोई भी रिश्ते बना रहे हैं या फिर सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं तो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अगर आप सच्चाई के साथ किसी से मित्रता बनाना चाहते हैं और सच्चाई के साथ उसे प्रस्ताव देना चाहते हैं तो आपकी मित्रता स्वीकार की जा सकती है। तो यहाँ पर आपकी साथी की तलाश भी पूरी होती हुई दिख रही है, इसलिए अगर किसी से बातचीत चल रही है, मित्रता चल रही है तो वहाँ पर अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है और आपकी साथी की तलाश पूरी हो सकती है। तो प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बस ध्यान रखकर चलना होगा कि आप छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें तो आपके संबंधों में काफ़ी मजबूती देखने को मिलेगी फरवरी के महीने में और आपकी साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। जिनके प्रेम संबंध नए नए हैं उनको भी देखेंगे आप कि उनके ये फरवरी का महीना काफ़ी रोमांटिक रहेगा और यहाँ पर आपकी रोमांटिक मुलाकात भी हो सकती है और बातचीत तो आपकी होती ही रहेगी और नए प्रेम संबंधों में भी मजबूती देखने को मिलेगी, प्रेम संबंध आपके आगे बढ़ेंगे।
चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें जे नाम वाले लोगों के लिए, तो वैवाहिक संबंधों में ध्यान रखकर चलना होगा। वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे और आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखकर आपको अवश्य ही चलना होगा कि वैवाहिक संबंधों में आप अपने साथी के साथ किसी भी तरह की बहस से बचें, वरना बहुत जल्दी आपके वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। खासकर 13 फरवरी तक का समय ऐसा रहेगा जब जल्दी ही आपके जीवन साथी के साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखकर चलें, क्योंकि आप में थोड़ी सी अहम की भावना बढ़ी रहेगी। तो इस समय पर अगर अहम की भावना ज़्यादा रहती है तो आपको देखेंगे कि आपके वाद विवाद भी जल्दी होंगे। हालांकि ये पूरे महीना रहने वाला है और आपको एक बात का और ध्यान रखकर चलना है कि आप अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें, खासकर वैवाहिक संबंधों में। हालांकि प्रेम संबंधों में भी आपको वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा, क्योंकि 13 फरवरी से जो समय होगा 28 फरवरी तक का, वहां पर आप में अहम और क्रोध की भावना बढ़ सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखकर अवश्य ही चलें। लेकिन वैवाहिक संबंधों में तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन साथी के घर वालों यानी कि ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करने से बचें, और अगर आप उनके बारे में कोई भी बात करते हैं तो आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद होगा। और अगर आप ससुराल पक्ष के लोगों से भी कोई बातचीत करते हैं तो वहां पर भी आपको अपने अहम को दूर रखना होगा, क्रोध को दूर रखना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी वैवाहिक संबंधों को अच्छे से चलाने में फरवरी के महीने में। अगर कोई वाद विवाद आपके जीवन साथी के साथ चल रहे हैं तो आप वहाँ पर धैर्य और संयम के साथ उनको हल करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपने थोड़ा भी अहम दिखाया या क्रोध दिखाया तो इस समय पर आपके जीवन साथी के साथ आपके वाद विवाद पक्की तौर पर होंगे और आपके संबंधों में संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसलिए वैवाहिक संबंधों में इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। जो लोग अविवाहित हैं जे नाम वाले लोग और उनकी शादी की बातचीत कहीं चल रही है तो आप फरवरी में प्रयास करें, आपकी बातचीत पक्की हो सकती है। वहां पर आपको सफलता मिलने के पूरे चांस बने रहेंगे। जो भी छोटी मोटी बातें आपकी फंसी हुई हैं उनको आप दूर करने का प्रयास करें, आपकी बातें दूर होंगी और आपके जो संबंध है यानी शादी का जो संबंध है वो पक्का हो सकता है। खासकर 13 फरवरी से 28 फरवरी तक का समय इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में जे नाम वाले लोगों को कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात अगर हम करें तो उपाय के लिए सबसे अच्छा फरवरी के महीने में आपके लिए जो उपाय रहने वाला है वो आप सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, रोजाना नहा धोकर अर्पित करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा इस महीने। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा उपाय रहने वाला है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें, उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जे नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये जे नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।